रहे हैं। मेरी पोती क्या खाना चाहती है? मुझे ऐसी आइसक्रीम चाहिए। मुझे ऐसी रेसिपी पता है, ये फ्राइड आइसक्रीम है। आइसक्रीम की ऐसी कंसिस्टेंसी को पाने के लिए इसे टुकड़ों में बारीक कटा हुआ होना चाहिए। यह आसान है दादी, आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। चक चक चक, एकदम आसान। अपने चाकू ठीक से रखो बच्चे, और इस तरह से किचन में खाना मत फैलाओ। ओके। ऐसा तब होता है जब नौसिखिए काम पर लगते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं इसे इसकी ओरिजिनल रेसिपी के अनुसार बनाऊंगी। ओके। हमें एक प्लेन सतह पर दूध और क्रीम डालना होगा, और फिर किसी भी बेरीज को काट ले, मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, और दूध के साथ मिलाएं और सबको अच्छे से चॉप करें। जब ये मास थोड़ा हार्ड हो जाए, हम इसे काट सकते हैं और ट्विस्ट करके रोल कर सकते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। कट और ट्विस्ट, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे ग्लास में डालूंगी और इसे सजाऊंगी। मैं व्हिप क्रीम मिलाऊंगी, पर ये थोड़ा फीका लग रहा है। मैं इसे रेनबो स्किटल्स कैंडी से सजाऊंगी। सुंदरता के लिए एक सुगर ट्यूब और ओरियो कुकीज। अब दादी भी अपनी आइसक्रीम को टुकड़ों में काट लेंगी। हाँ, इस तरह से। इसे अंदर कटोरे में रख लिया और उस पर स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। दादी, आप ऐसे गलत कर रही हैं। और सॉस मेरे लिए भी उपयोगी है, और मैं गमी बेर भी डालूंगी, और मैं कुछ बेरीज भी डालूंगी, स्ट्रॉबेरी और फिर ब्लूबेरी। मैं सब कुछ स्प्रिंकल से सजाऊंगी। एकदम सही। यह कितना बेकार लग रहा है। यहाँ जैन, देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजा सकते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद पूरी तरह से आइसक्रीम के मिठास के साथ मिल जाएगा। नींबू के छिलके का उपयोग असामान्य सजावट के लिए किया जा सकता है। आइसक्रीम को लंबे समय तक शेप में रखने के लिए थोड़ी बर्फ डालते हैं। और सर्विंग के लिए मैं ड्राई आइस का उपयोग करूंगी, जैसा कि महंगे रेस्टोरेंट में किया जाता है। मैं थोड़ा स्मोक भी डालूंगी और इसे ढक्कन के नीचे रख दूंगी। और देखो, ये तैयार है। शेफ की आइसक्रीम कितनी सुंदर तैयार हुई है, एकदम शानदार। हाँ, दादी की आइसक्रीम इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही। बहन के एक कप में बहुत सारी सामग्रियां हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह की आइसक्रीम बेबी ग्लोरिया को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मुझे यह चाहिए। वाह, स्ट्रॉबेरी और क्रीम, बहुत स्वादिष्ट। वाह, क्या फॉग है वहाँ, क्या है? वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। कितना धुआं। हाँ, यह खट्टा है, यह थोड़ा अजीब लग रहा है। स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, यह मेरा है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। दादी, ग्लोरिया खाना मांग रही है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यहाँ देखो, ऐसे स्टिक पर रंगीन। क्या दादी को ठीक से नहीं दिखता? ओह, ऐसा, मैं समझ गई। दादी हमेशा ऐसा बनाती है। पहले चीनी को पानी में उबालने की जरूरत है। इसके लिए पानी ले और इसमें चीनी डाले और इसे हिलाते रहना होगा। क्या तुम्हें रेसिपी पता भी है अम्मा? इसे दोहराओ। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। चीनी और पानी, इसे किसी सॉस पैन में डालें और इसे अच्छे से हिलाते रहें। हाँ। सांचों में डालने से पहले हमें कारमेल का तापमान जांचना होगा, नहीं तो इसमें क्रैक आ सकता है। बिल्कुल सही। अब इसे सांचों में डाल सकते हैं और रेनबो कलर को डालें, जैसा कि ग्लोरिया को चाहिए। हाँ दादी, देखो और सीखो। ओह हाँ, सच में ग्लोरिया एक रंगीन लॉलीपॉप चाहती थी। हाँ, मेरे पास एक नेचुरल डाई है। दादी, तुम बहुत मजबूत हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो दादी नहीं कर सकती। हाँ, ये अब इसे सांचों में डाल सकते हैं, इस तरह से। मैं इसमें यह स्टिक डाल देती हूँ जब तक यह जम रही है। तो यह कारमेल जम गया है। अब हम इस लॉलीपॉप को निकाल सकते हैं। वाह, दादी इसकी सराहना करती है। मैं कारमेल से पतली छड़ी बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से। यह रहा मेरा कारमेल
अब मैं इसे एक बड़े लॉलीपॉप में बदल दूंगी, इस तरह से, एकदम सही। ओ, लगता है कि कुछ जल रहा है। ओ, ये मेरा कारमेल है, ये जल गया। ओ, तुम कितनी अनारी हो बच्चे, मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी ऐसा लॉलीपॉप बना सकती हूँ। मेरी बहन के पास रंगीन क्ले के जार हैं। मैं उनसे पतली छड़ी बनाऊंगी और उन्हें आपस में मिलाकर मोड़ लूंगी, जैसा कि एमा ने किया था। इस तरह मेरे पास रेनबो लॉलीपॉप होगा। यह सच है, इसे खा नहीं सकते, लेकिन यह बहुत सुंदर है। सब कुछ तैयार है। एकदम सही। तुम क्या चुनोगी ग्लोरिया, दादी की कैंडी या बहन की बनाई हुई लॉलीपॉप या शेफ का बनाया हुआ कैंडी? मुझे यह लेना है, यह सामान्य दिखता है। इसका कितना अजीब स्वाद है, मैं यह खाकर देखती हूँ। अजीब है, इसे मेरे क्ले की तरह बदबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ये मेरी प्लेडो है। किसने मेरे क्ले को बर्बाद कर दिया? वाह, यह कितना सुंदर है। बहुत ही मीठा और खूबसूरत, कितना अच्छा है। मैं इसे चुनती हूँ। हुर्रे, मैंने इसे तैयार किया है। और अब मैं चाहती हूँ चिप्स खाना। हाँ, इसे तैयार करना आसान है। सिस्टर जेन, शेफ और दादी उत्साह से काम करने के लिए तैयार है। बस या, अब मैं आलू को पतले सर्कल में काटूंगी, ऐसे, इस तरह से। अरे, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, फिर मुझे कैसे काटना चाहिए? मुझे कुछ उपयुक्त खोजने की जरूरत है। हाँ, यह रहा, मिल गया, मेरी कंघी। ओह, कितना भयानक। क्यों, क्या हुआ? बस देखना कितने सुंदर स्लाइस निकलेंगे। नहीं जैन, मैं सुंदर चिप्स बनाऊंगी। देखो मैंने अपने लिए किस तरह का डिवाइस ऑर्डर किया है। इसके साथ आप आलू को एक स्पाइरल में काट सकते हैं और फिर इसे स्टिक पर लगा देना है, इस तरह से। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है, दादी अपने पुराने तरीके के साथ बेहतर तैयार करेगी। अब फ्राइंग पैन में आलू को फ्राई करना है। उसने चिप्स मांगे हैं, तले हुए आलू नहीं। और मैं एक डीप फ्रायर में स्पाइरल पकाऊंगी। डीप फ्रायर, मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब सब कुछ तैयार है, अब बस इसे खूबसूरती से सर्व करना है, पेपरिका और नमक के साथ। दादी का भी सब तैयार है और मेरे चिप्स पर और ज्यादा केचप डालना है। मुझे बस नमक चाहिए। ये लो मेरी बच्ची, खाओ। दादी के चिप्स से बहुत स्वादिष्ट महक आ रही है। बहन के चिप्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शाक का चिप्स तो कमाल के लग रहे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह क्या है, इतना केचप? जैन ने शायद इसे पकाया है, उसे केचप बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, इसे खा सकते हैं। क्या यह फ्राइड पोटैटोज है? नहीं, यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे चाहिए। ओह वाह, कितना सुंदर, और इसका स्वाद अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गई। ये धन, देखो इस बार कोला मिला है। हाँ, अच्छा है। अच्छा, ये तो कमाल का है। क्या तुमने देखा मुझे कितने कैन मिले हैं? हाँ, मैंने देखा, पर मुझे भी एक बड़ा बोतल मिला है, लेकिन मेरा बोतल तो छोटा है। उफ, कोई बात नहीं, अगली बार किस्मत तुम्हारा साथ देगी, तुम उस छोटे चीज का मजा लो। कितने गंदे हैं। ठीक है, अब बातें बंद करो और शुरू करते हैं। अरे, मुझे तो बहुत प्यास लगी है। ओह, अगली बार ध्यान से, मुझे चोट लग गई, पर तुम पीना जारी रखो। हाँ, मुझे तो अब कोई नहीं रोक सकता। अरे, उसने कहा ना ध्यान से। मैं बस इतने सारे कोला के साथ बहुत खुश हूँ। हाँ, क्योंकि यह है ही इतना बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। इथन, बाय बाय। क्या, मैं कहाँ जा रहा हूँ? कोई मदद करो, कोई मुझे नीचे लाओ। नहीं, तुम उधर ही रहो, और तब तक मुझे कोला चुराने का सही मौका मिल गया। कितना अच्छा। क्या, वो खाली कैसे हो गए? कोला कहाँ गया?
मैंने नहीं किया। तुमने हिम्मत कैसे की? इससे और बुरी चीज मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, और मेरा कोला किसी ने चुरा लिया, और यह सब मैं नहीं किया है, तो अब किस्मत ने किसका साथ नहीं दिया? अरे वाह, यह तो पूरा लंच है। मेरा फेवरेट KFC, मुझे इसका चिकन बहुत पसंद है, और मुझे यह तब पसंद आता है जब बहुत सारा चिकन हो। बहुत सारा चिकन किसे नहीं पसंद होगा, पर मुझे सबसे कम क्यों मिला है? कोई बात नहीं यार, और मुझे भी जूलिया से कम मिला है, ये सही नहीं है। ठीक है, जो भी हो, शुरू करते हैं। कम है पर बहुत स्वादिष्ट है, कुछ नहीं मिलने से तो अच्छा ही है। ओ, अब तो मुझे भी बहुत भूख लग गई है। यह चिकन तो कमाल का होता है। स्वादिष्ट तो यह था, पर मेरा पेट बिल्कुल नहीं भरा। ओह, लगता है इथन के पास और है। दूर हो जाओ, यह सिर्फ मेरा है। इथन के पास उतना ज्यादा नहीं है, असली पहाड़ तो यहाँ मेरे पास है। एक पूरा पहाड़? तब तो अगर मैं थोड़े ले लूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया? खाने को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा तो चलो, जूलिया को अब लगने दो कि तुमने सब चुराया है। ये लो, खाओ खाओ। ठीक है। अरे, सारा चिकन कहाँ गया? इथन ने ले लिया, देखो उसके पास हड्डी है। ओह, तुम चोर हो। ओह बेचारा इथन। देखो कितने सारे फ्राइज हैं। नहीं, मुझे उतना नहीं मिला, बस एक छोटा सा हिस्सा। मेरे पास उससे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मुझे तीखा सॉस भी मिला है। सॉस? ओह, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। मेरा वाला तो सबसे तीखा होगा। प्लीज तुम जाओ, मैं शुरू नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, मैं पहले जाती हूँ। मुझे लगता है मैं गलत थी। यह सॉस बहुत ही तीखा है। बस मैं तो चला। बैठ जाओ, अब मैं तुम्हें साबित करती हूँ कि यह उतना तीखा नहीं है। चलो, या शायद मैं ये नहीं साबित करूंगी। क्या है यह? मैं जल रही हूँ। अरे ध्यान से। बच गए। चलो इथन, अब तुम्हारी बारी है। अरे नहीं, पर एकदम ऊपर तक कैसे पहुँचूंगा? ओह धन्यवाद रोबोट जी, धन्यवाद। उसे कोई आइडिया नहीं है कि अब उसके साथ क्या होगा। हाँ यार, ओह कितना सारा सॉस, ये कुछ ज्यादा ही तीखा होगा। बस रुक जाओ, मुझे और नहीं चाहिए। चलो अब खाओ। नहीं, ये टावर गिर रहा है। कितने अफसोस की बात है, यह क्या बकवास है। रुक जाओ, ठीक हो जाएगा। 1, 2, 3, वाह, ये तो मेरे फेवरेट मैक्रून है। मुझे भी ये बहुत पसंद है। और मुझे सबसे बड़ा वाला मिला है। उफ, जो भी हो, मैं पहले खाऊंगी। चलो फिर। वाह, हमेशा की तरह लाजवाब स्वाद है। मुंह में पिघल जाता है। बेशक पिघल जाएंगे, इतने छोटे जो हैं। एकदम सही कहा इथन, तुम्हें बस जलन हो रही है। गले में फंस गया। अरे मेरे ऊपर क्यों फेंका? जूलिया, अब तुम चलो। हाँ बिल्कुल, इसकी खुशबू तो कमाल की है, और स्वाद तो मैं बता ही नहीं सकती। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। वाह, ये तुमने कितने प्यारे इयररिंग बनाए हैं, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। ओह, ये दोनों भी ना। अरे, इन इयररिंग को तो सच में खा सकते हैं। अब मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। लेकिन देखो, किसी ने उसे काट लिया है। क्या? कहाँ? ये करने की हिम्मत किसने की? यह तो मैक्रून था, इसे खाना ही था। ओह, और वैसे मेरे पास भी आइडिया है। क्या होगा अगर इसमें एक बढ़िया मिल्कशेक बनाया जाए?
पर पहले इसे थोड़ा तोड़ना होगा कि यह ब्लेंडर में अट जाए। यह बहुत अच्छा होने वाला है। क्या तुम दोनों यह देख रही हो? यह नीले रंग का कॉकटेल कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ऐसा लगेगा कि मैं खा भी रहा हूँ और पी भी रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। तुम्हें पता है क्या, हमें भी प्यास लगी है। हाँ सच में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कितना लालची है, काश उसका स्वाद बेकार निकले। इस बार हमारे पास क्या है? ये पैकेट कितना छोटा है। मेरा तो न कम न ज्यादा, मैं इसके साथ खुश हूँ। तुम तो वो बस कह रहे थे क्योंकि तुम्हें वो बड़ा वाला नहीं मिल पाया मेरी तरह। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैं बहुत ही निराश हूँ, लेकिन जो है सो है। अब खाने का समय है। समय बर्बाद करके कुछ नहीं होगा, मैं सारे एक ही बार में खा जाऊंगा। मुझे तुम्हारा यह तरीका पसंद आया, मैं भी यही करूंगी। मुझे थोड़ा देना। ये लो मेरे पास। अजीब है, सारी कैंडी कहाँ गई? लगता है तुम्हारा उस पैकेट में सिर्फ हवा भरा हुआ था 3 M&M के साथ। कुछ भी नहीं मिलने से तो बेहतर है। चार्लेट, देखो जूलिया को सिर्फ 3 टुकड़े मिले हैं। हाँ हाँ, तो बदकिस्मत सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। हाँ हाँ, हंस लो, मुझे M&M उतने पसंद भी नहीं है। फिर तुम्हें क्या लगता है, मुझे बहुत सारे मिलेंगे? वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे वाह, सबसे छोटे पैकेट में सबसे ज्यादा था। जो भी हो, पूरा टेबल इसमें ढक गया है। खाओ तुम दोनों सबके लिए। वाह, कितने सारे ट्विक्स हैं। तुम भाग्यशाली हो, मुझे सिर्फ 1 चॉकलेट बार मिला है। अरे उसका रैपर तो निकाल कर खाओ, मुझ पर मत चिल्लाओ। तुम्हें ये कैसे खाऊं? हाँ, मैं अपनी चेन सॉ का इस्तेमाल करूंगी। ऐसा मत करो, बचाओ। ठीक है, शांत हो जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे चॉकलेट के लिए है, मेरे 2 ट्विक्स के टुकड़े के लिए। मैं भूल गई थी कि मेरे पास 2 है। भूल गई थी? और क्या तुम यह भी भूल गई थी कि चॉकलेट को 100 से काटा जाता है तो यह हर तरफ उड़ता है। डांटने के बजाय तुम मेरी तारीफ कर सकते थे। खैर, मेरे पास कितना कम चॉकलेट है और तुम दोनों के पास कितना सारा। अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब मैं शुरू करती हूँ। पहले सारे रैपर हटाने होंगे। अरे सारे? हाँ, अब मैं खा सकती हूँ। मुझे ट्विक्स सच में बहुत पसंद है। यह हमेशा स्वादिष्ट होते हैं, खासकर अच्छा तब होता है जब बहुत सारे हो। मेरे पास एक आइडिया है, इसे ऐसे ही क्यों खाऊं? अगर इस चॉकलेट को दूध में डुबोकर खाया जा सकता है। उफ, सब कुछ उड़कर मेरे पास क्यों आता है? देखो, साधारण दूध कितनी जल्दी चॉकलेटी बन गया। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। यह बहुत अच्छा है, एक साथ खाओ और पियो। लगता है तुम्हारा लगभग हो गया है, तो अब मैं चलता हूँ। पहले सारे कैंडी रैपर उड़ा देता हूँ। कैसा लगा? बढ़िया ना? हाँ, पर सिर्फ इतना ही नहीं है। अब समय आ गया है बहुत ही महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन का काम करने का। यह चॉकलेट स्वादिष्ट और एक बहुत मजबूत सामग्री दोनों होते हैं, और न्यूटेला की मदद से सब अच्छे से चिपक जाएगा और ये ट्विक्स के साथ अच्छे से जाएगा। वाह, यह देखो, दुनिया का सबसे लंबा चॉकलेट टावर। हाँ, यह आसमान की ऊंचाई का है। मुझे सीढ़ी पर चढ़कर यह खत्म करना होगा। कितना अच्छा बना है, लगभग पूरा हो गया है। विवियन, तुम समझ रही हो ना, यही हमारा मौका है। हाँ बिल्कुल, चलो जल्दी से खाते हैं। अजीब है, सब हिल क्यों रहा है? बचाओ। ओह, आशा है कि वह ठीक है। तुमने हिम्मत कैसे की? वह मेरा चॉकलेट था। अच्छा है कि मैंने हेलमेट पहन रखा था, इसने मेरी जान बचा ली। अरे यह क्या, फिर मुझे सबसे कम मिला है। मेरे पास सिर्फ 1 आंख है। किस्मत सच में तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। हंसी आ रही है, तो यह लो, मैं तुम्हारे चेहरे पर यह लगा दूंगी। यह गमी आंख बहुत चिपचिपी होती है। अच्छा लगा? बस करो, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगी, खाती हूँ।
तुम खाओ, तब तक मैं एक प्रैंक करता हूँ। मुझे थोड़े केचप की जरूरत होगी, यह मजेदार होने वाला है। जूलिया देखो, मैं अपनी आँख खींच कर निकाल लूँगा। क्या तुम्हारी आँख? यहाँ से यह हटाओ जल्दी। ओह यह क्या है? ओह लगता है उसके गले में फंस गया है, उसकी मदद करनी होगी, सब ठीक हो जाएगा। यह सीरियल कितना स्वादिष्ट है, मुझे और खाना है। यह आग कहाँ से आई? कितना भयानक! वो आग सच में असली लगती है। हाँ वो तो है, सिर्फ एक अंतर है, यह आग बहुत स्वादिष्ट है और इसके अंदर स्वादिष्ट सिरप भी है। अंदर सिरप है? तब चलो इधर देखो, अब मेरी बारी है इन गमी ट्रीट्स को खाने की। किसी चीज की कमी है। एक और आग। नहीं, मेरा कुछ मत छुओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। कम से कम एक तो दे दो, तुम हमारे दोस्त हो, हमारे साथ शेयर करो ना। मैं कुछ शेयर नहीं करूँगा, मैंने सब खत्म कर दिया, देखो कुछ नहीं है। यह क्या हो रहा है, मेरे पास इतनी आंखें क्यों है? देखो तुम्हारी लालच की वजह से क्या हुआ। क्या ये कोई मजाक है? मुझे फिर इतना कम क्यों मिला है? हमें तो ज्यादा चिप्स मिले हैं। सिर्फ एक टुकड़ा, ये इतना छोटा है, मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। वह टेबल के नीचे क्यों चली गई? मुझे इसकी जरूरत थी, किसी तरह इसे खाना होगा और मुझे लगता है ट्वीजर्स मेरे काम आएंगे। तुम हंसना बंद करो और अपना खाओ। हाँ ठीक है, मैं अपनी चिप्स जल्दी से खा लूंगा, बस इसे खोलना होगा। क्या है ये, इतने कसकर क्यों लगा हुआ है? पीटर तुम बिल्कुल ताकतवर नहीं हो। चुप रहो, चिप्स का डब्बा खोलने का ये सबसे अच्छा तरीका है, बस इसे काटना होगा। देखो, और मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। चिप्स खुद ही उड़कर मेरे मुंह में आ जाएंगे। कितने स्वादिष्ट है। अरे अरे, यह तो एक चिप्स के डब्बे से बेहोश हो गया। छोड़ो, मैं अपनी ट्रीट खाती हूँ। कितना स्वादिष्ट, मजा आ गया। अरे सच में चोट लगती है। हाँ जो भी हो, मुझे खाने दो, यह लाजवाब है। क्या मैं ठीक हूँ? नहीं, यह चिप्स कमाल के हैं, मैं रुक ही नहीं पा रही हूँ। यह नामुमकिन हो गया है, यह बहुत ही अच्छे हैं। ध्यान से कैन फेंकना बंद करो। अरे मुझे भी एक हेलमेट चाहिए। हेलमेट नहीं, इस भूखड़ के चिप्स को यहाँ से हटाना होगा। वाह यह तो बढ़िया किया, एकदम सही निशाना। यह क्या हुआ, मदद करो मेरी। उफ, ब्रोकली नहीं। ब्रोकली? पर मुझे एक बीज क्यों मिली है? स्वाद तो अच्छा नहीं है। अरे हाँ, इसे उगाना होगा, फिर मुझे इसे एक पौधा मिलेगा। बस करो, रुको, सारी मिट्टी हमारे ऊपर आ रही है। ओ माफ करना, हमारे मुंह में मिट्टी भर गई है। ओ शांत हो जाओ, मुझे बस अपने बीज को डालने के लिए जगह चाहिए थी। जब तक ये उगता है तब तक तुम अपना ब्रोकली खाओ। लगता है मेरी बारी है, पर दिक्कत यह है कि मुझे ब्रोकली से नफरत है। यह कितना खराब है, छी इसका स्वाद तो भयानक है। लग रहा है कि मैं किसी सड़े हुए चीज को खा रहा हूँ। मैंने पहले कभी इससे और बुरी चीज नहीं खाई है, मुझे जल्दी अपने मुंह का स्वाद ठीक करना होगा। ओ यह मुझे दो। देखो यह बड़ा हो रहा है, तुम्हारे कोला ने मेरे पौधे की मदद की। अच्छा मदद हुई, तो अब उसका मजा लो। वो पौधा ब्रोकली है। क्या सच में? मैं इतनी मेहनत इसके लिए की? आशा है कि इसका स्वाद कम से कम अच्छा हो। नहीं, लगता है मैं दुनिया की सबसे खराब माली हूँ। यह ब्रोकली बहुत बुरा है, इसे खाना नामुमकिन है। तुम्हारे चेहरे पे मिट्टी लग गई है। हंसना बंद करो जूलिया, अब सिर्फ तुम ही बची हो। मैं? पर यह कितना बड़ा है, मैं ये नहीं खा सकती। ओह हाँ आइडिया। दोस्तों देखो उधर क्या उड़ रहा है।
कहाँ? कितने भोले हैं तुम लोग, उधर कुछ ढूंढो और तब तक मैं इस गंदी चीज को फेंक देती हूँ। अच्छा तो तुम हमें बेवकूफ बनाना चाह रही थी, वैसे मेरे पास भी यहाँ एक कटोरी है। कितना खराब स्वाद था, देखो मैंने सब खा लिया, बहुत बुरा था। ओ, इतना बुरा था कि तुमने सब फेंक दिया, पर अच्छा है कि मैं सब फिर ले आया। मुझे यह नहीं खाना था, लेकिन लगता है कि यह खाना ही होगा। स्कीटल्स, बहुत अच्छा, पर मुझे और चाहिए। हाँ हाँ, फिर जूलिया को सबसे कम मिला है। कम क्या, मुझे सिर्फ एक कैंडी मिला है। पर तुम ज्यादा ही जल्दी खुश हो गए। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है कि मैं इसे बड़ा कैसे बना सकती हूँ। इसके लिए मुझे बस अपने फोन की जरूरत है। अब बस कैंडी को कैमरा के करीब लाना होगा। हाँ अच्छा है, अब यह बड़ा हो गया है और ज्यादा स्वादिष्ट भी जरूर होगा। हाँ यह लाजवाब है, इतना स्वादिष्ट, मुझे बहुत मजा आया। पीटर अब तुम्हारी बारी है। हाँ बिल्कुल, देखो अब मैं सारे कैंडी अपने मुंह में पकड़ लूंगा, देखना। ओ, मिस हो गया, तुम्हारे मुंह में तो एक भी नहीं गया होगा। ठीक है अब छोड़ो, मैं चलती हूँ। क्या मैं तुमसे एक कैंडी ले सकता हूँ, शायद पीला? बिल्कुल नहीं, ये मेरे है। अब मुश्किल काम बचा है, कौन सा रंग चुनूं, कौन सा कैंडी पहले खाऊं। मुझे लगता है मुझे लॉटरी निकालनी होगी। जो रंग मिलेगा वो वाली कैंडी मैं खाऊंगी। शुरू करती हूँ हरे के साथ, और वैसे ये मेरा फेवरेट रंग भी है। तो मैं भाग्यशाली हूँ, और अब सारे खा लेती हूँ। यह स्किटल्स कितने स्वादिष्ट है। तब चलो लॉटरी मैं निकालता हूँ। यह क्या है, वाह इससे तो लाइट आ रही है। देखो कितना बड़ा कैंडी है, और यह कितना स्वादिष्ट है। वाह इसके अंदर भी कैंडी भरी हुई है। मुझे भी चाहिए। अरे लॉटरी चली गई, अपना दो ना प्लीज। हाँ बिल्कुल मैं दूंगा, अपने हाथ आगे करो, मैं लालची नहीं हूँ, यहाँ सबके लिए काफी कैंडी है। धन्यवाद पीटर। देखे पीटर तुम चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुझे सिर्फ एक पॉपकॉर्न का टुकड़ा मिला, एक कितने अफसोस की बात है। हंसना बंद करो और देखो तुम्हारे पास क्या है। मेरे पास इसका एक बकेट है, यह बुरा नहीं है, स्वादिष्ट लग रहा है। अब सिर्फ तुम ही बची हो वेवियन। इतना सारा पॉपकॉर्न, हाँ यह तो इसका एक पूरा पहाड़ है, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी है। मेरे पॉपकॉर्न को घूरना बंद करो और अपना खाओ। यह काम तो पलक झपकते ही हो जाएगा, पर इस वजह से मैं इसके मजे लेने से नहीं रुकूंगा। जिंदगी में हर पल का मजा लेना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो पीटर? तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तरीके से खाया कैसे जाता है। मुझे पता है कि तुम यह सब चीज नहीं जानती, तो मुझे देखो और सीखो। मुझे एक कांटे और चाकू की जरूरत होगी। हाँ इसकी मदद से मैं पॉपकॉर्न को ध्यान से छोटे टुकड़ों में काट सकता हूँ। वाह क्या स्वाद है, एकदम कमाल का। क्या तुम थोड़ा जल्दी कर सकते हो? हाँ मेरा हो गया। ओ मुझे इतनी हड़बड़ी में नहीं डालना चाहिए था, गैस हो गया। अब तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ गए? मैं तुम्हारी तरफ बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे वो सब बकवास की जरूरत नहीं है। मैं सीधा अपने स्वादिष्ट पॉपकॉर्न को खा सकती हूँ। वाह ये कितना कुड़कुड़ा है, मैं बता ही नहीं सकती कि कितना अच्छा है। अब बस एक अच्छी फिल्म की कमी है। अरे क्या मैंने सारे खा लिए, वो भी इतनी जल्दी, मुझे पता ही नहीं चला। एक ही टुकड़ा बचा है, मैं इसे खत्म कर देती हूँ। ये मेरा मौका है, मैं इसे नहीं गंवा सकता। ये तुमने क्या किया पीटर, ये सही नहीं है, वो मेरा पॉपकॉर्न था। मैं खुद को रोक नहीं सका, वो मेरे इतने करीब था ना इसलिए। चलो विवियन अब तुम। कितना स्वादिष्ट है, मैं बहुत लकी हूँ, मैंने इतने पॉपकॉर्न के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। अपना हाथ मेरे खाने से दूर करो। उसने मेरी उंगली काट ली। हाँ कितना दर्द हो रहा है, पूरा लाल हो गया है। हमें साथ मिलकर काम करना होगा, वरना कोई पॉपकॉर्न नहीं बचेगा। चलो वैक्यूम क्लीनर उठाओ और जितना पास हो सके उतना आओ। चालू करो मैरी, मैं तैयार हूँ।
हमारा मिशन शुरू हो गया है, ये सफल हो जाएगा, जल्दी सारा पॉपकॉर्न हमारा होगा। कितना बढ़िया, मुझे इस तरह के मस्त प्लान का हिस्सा होने में मजा आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा पॉपकॉर्न कहाँ जा रहा है? पीटर, वैक्यूम क्लीनर को इसी वक्त बंद करो, तुमने मेरा पॉपकॉर्न कैसे चुरा लिया? ऐसे ही तुम्हारे चिल्लाने से मेरा सिर दुख रहा है, इसलिए लो अपना पॉपकॉर्न। बहुत बढ़िया, अब वो गई यहाँ से तो कोई हमें नहीं रोकेगा, चलो जल्दी खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, हमारी मेहनत बर्बाद नहीं गई। इस बार मैं ढक्कन पहले खोलने के लिए तैयार हूँ। वाह, एक पैक गम, बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद है, मैं नहीं रुकने वाली, मुझे अभी इसी वक्त इसे खोलना है। ये च्युइंगम काफी अच्छा होता है। वाह, किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। इतनी हड़बड़ी मत करो विवियन, जरा हमें भी तो देखने दो। वाह, मुझे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, यहाँ कितने सारे बबल गम है, ये तो गम का एक दीवार है। कितनी जल्दी तुमने सारे रैपर खोल लिए, पर तुमने भी हड़बड़ी कर दी। माफ करना, मैं तो एकदम ही भूल गई थी कि पीटर ने अपना हिस्सा नहीं देखा, पर मैंने तो काफी अच्छा काम किया है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या है। वाह, इतना कुछ इस ढक्कन के नीचे कैसे अट गया था। खैर छोड़ो, मुझे इतना नहीं सोचना, यह मस्त है, मेरे पास बोलने के शब्द भी नहीं बचे। फर्क नहीं पड़ता कि इसे किस ओर से देखा जाए, यह कमाल का है। सारे रैपर बस हटाने होंगे, मैं सारे उड़ा दूंगा ऐसे। मुझे भी वो खाना है। हाथ दूर करो, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। लालची कहीं के, कितने बुरे हो। अब बैठो और इंतजार करो जब तक मैं अपना गम खा रही हूँ। कितना मुलायम है, मैं एक बड़ा बबल फुलाने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। अब तक अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे गम में कुछ गड़बड़ है, इसे मैं फुला ही नहीं पा रही हूँ, पर मुझे पता है क्या करना चाहिए, मुझे एक पंप की जरूरत है। देखो ये काम कर रहा है। वाह, अब यह हुई ना बात, मेरा प्लान काम कर गया। कितना बड़ा गुब्बारा है, इसे एक स्टिक पर लगाकर मैं रखूंगी। काफी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। मुझे विवियन का बिलून चाहिए, पर वो तो पक्का मुझे नहीं देगी, इसलिए एक शरारती हो जाए, निशाना लगाती हूँ। अरे नहीं, मेरे बैलून को क्या हो गया, ये फट क्यों गया? माफ करना विवियन, मुझे बस थोड़ा मजा करना था, ये बिल्कुल मजेदार नहीं था। जाओ तुम अपना गम खाओ। हाँ, मैं अभी वही करने जा रही हूँ, कितना स्वादिष्ट है, मैं खाना बंद नहीं कर पा रही, और अब बबल फुलाने की मेरी बारी है। ये बस शुरुआत थी, मुझे थोड़ा वार्म अप करना होगा। देखो विवियन, वो ऐसा कैसे कर पा रही है। अब परेशान करने की बारी मेरी है। मैरी, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, तुमने मेरा बबल फोड़ा और मैंने तुम्हारा। क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मेरा चेहरा गम में क्यों ढक गया है? अरे नहीं, मेरा च्युइंग गम, ये पूरा बर्बाद हो गया, और मेरी भौहें भी। कितना भयानक, मुझे इन्हें फिर चिपकाना होगा। हो गया, मेरी पुरानी भौहें वापस आ गई। पीटर, अब तुम्हारी बारी है। मैंने इस पल का कितने देर से इंतजार किया है, मेरे हाथ ने गम पकड़ लिया है और वे नहीं रुक सकते, और रुकना चाहिए भी क्यों, ये सब आखिर मेरे लिए ही तो है। वाह, इतना सारा गम है, ये मेरे मुंह में नहीं हटेगा, पर कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। घबराओ मत विवियन, सब कंट्रोल में है, देखो मैंने कितना मस्त बबल फुलाया है, एकदम कमाल का। रुक जाओ पीटर, बस करो, तुम्हारा बबल फट जाएगा। विवियन झुक जाओ। सही की मैरी, ये तो विस्फोट ही हो गया। मुझे उठने में मदद करो, मैं चिपक गया हूँ। तुम एक मकड़े की तरह लग रहे हो जो अपने जाल में फंस गया हो। अब मैं पहले हूँ। वाह, दूध के साथ कुकीज, लेकिन इतना कम क्यों है, केवल एक कुकी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। विवियन तुम देखो, मेरे पास एक बड़ा हिस्सा है। बहुत अच्छा, मैं तो इसके साथ खुश हूँ, मुझे दूध के साथ कुकीज बहुत पसंद है। तो क्या इसका मतलब मैरी के पास एक विशाल हिस्सा है? जल्दी से ढक्कन उठाओ। एक साथ 100 कुकीज और पीने के लिए दूध का एक बड़ा गिलास है। मैं तुम्हारी जगह रहना चाहता हूँ मैरी, लेकिन मुझे थोड़े से संतोष करना होगा। मैं कुकी को दूध में डुबो रहा हूँ, मुझे लगता है ये पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट है, फिर से दूध में डुबोने का समय आ गया है। अरे नहीं, मैंने अपनी एकमात्र कुकी गिरा दी। शायद तुम अभी भी उसे निकाल पाओ। मुझे नहीं लगता, यह
मुमकिन नहीं है। तुम कभी कभी कितने लापरवाह हो सकते हो पीटर, तुम्हें क्या लगा था? मैं सारा दूध पी लूंगा और फिर मैं अपनी कोठी तक पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे पास दूध की मूछें हैं? अरे वाह, ये स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत बढ़िया। पीटर, तुम एकदम बेवकूफ हो। तारीफ के लिए धन्यवाद विवियन, तुम्हारे लिए अपनी कुकीज खाने का समय आ गया है। ओ, इसमें कितनी फीलिंग है, इसे खाने में तो मजा ही आ जाता है। और अब मैं इसे थोड़े दूध में डालती हूँ। मैंने भी कुकी को गिलास में गिरा दिया, लेकिन शायद ये अच्छा ही हुआ। देखो मेरा दूध कैसा हो गया है, ये चॉकलेट स्मूदी जैसा दिख रहा है। तुम क्या कर रही हो विवियन? दुनिया की सबसे स्वादिष्ट ड्रिंक बना रही हूँ। सारी सामग्री इकट्ठा हो गए हैं और अब इसे बस शेकर में अच्छे से हिलाना होगा। वाह, मस्त आइडिया है, बहुत बढ़िया। और अब देखते हैं कि कैसा बना है। कॉकटेल को एक सुंदर ग्लास में डालना होगा। बहुत चॉकलेटी लग रहा है, मुझे ये पसंद आया। मैं एक स्ट्रॉ और एक कॉकटेल छाता लगा देती हूँ और अब इसे पी कर देखती हूँ। ये जैसा मैंने सोचा था उससे भी बेहतर है। कमाल का स्वाद है, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और सच में मुझे बहुत जलन हो रही है। मुझे अब समझ आया कि यह स्ट्रॉ या छाता, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मायने सिर्फ स्वाद रखता है। और इसे पीने में बहुत मजा आया। और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कितने सारे कुकीज है, कुछ खा के देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, क्या हमें भी थोड़ा मिल सकता है? सोचना भी मत, तुम पहले ही अपना खा चुके हो, यह सब मेरा होगा। अरे नहीं, मैंने भी कुकी दूध में गिरा दिए। यह सब सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। ऐसा लगता है कि मेरी दूध में गिर गया, तो इसका स्वाद इसमें होगा। अच्छा विवियन, मैरी को सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ, तुम्हारी वजह से मैं पूरी भींग गई हूँ।